मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 64 योगिनी की साधना होने जा रही है, जिसमें योगिनी के 64 स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। 64 योगिनी की साधना मनुष्य के सभी पाप को नष्ट कर मनोकामना को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। माता 64 योगिनी चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करती हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ ही हर तरह की जो विवाद है वो नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खास प्रकार के प्रयोग की, और ये जो प्रयोग है वो तेल के ऊपर किया जाता है। कहने का अर्थ है, एक जो व्यक्ति है अपने जीवन में, जो कि वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, तो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उसे बड़े बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपना गृहस्थ जीवन का पालन करता है। कठिनाइयाँ संबंधों के रूप में हो सकती हैं, कठिनाइयाँ कर्ज के रूप में हो सकती हैं, कठिनाइयाँ बीमारियों के रूप में हो सकती हैं, कठिनाइयाँ कर्ज के रूप में हो सकती हैं, दुकान धंधे में कमी, दुकान धंधे में समस्या, नौकरी की समस्या, शत्रु की समस्या, यानी इन समस्याओं का सामना करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो प्राचीन काल से एक उपाय हमारे आपके बुजुर्ग करते आए हैं। ये उपाय है कि सामना तो सबको करना पड़ेगा, समस्या का सामना सबको करना पड़ेगा। हम उस समस्या का अच्छे तरीके से सामना कर सकें, उसका निवारण कर सकें, इतनी शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। तो उस शक्ति को लाने के लिए, अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए, और इस तरह की जो कर्ज की समस्या, बीमारी की समस्या, तंत्र की समस्या, इनसे मुक्ति पाने के लिए या इनको नष्ट करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए खास प्रकार के उपाय किए जाते हैं। और वो जो उपाय होता है वो तेल के ऊपर किया जाता है। तो वो जो तेल का उपाय ये होता है, एक थाली में आपको तेल रखना है, सरसों का तेल, एक इतनी कम से कम जो 1 फुट बड़ी थाली होती है, कम से कम इतनी चौड़ी थाली होनी चाहिए। इतनी चौड़ी थाली में आपको उसमें तेल डाल देना है, सरसों का तेल। ये प्रयोग शनिवार का है। सरसों का तेल डालने के बाद आपको वहां रखना है। रखने के बाद खास तरीके से मुंड मुद्रा लगानी है। आपको पता ही हो गया होगा कि मुंड मुद्रा ऐसे कहते हैं, इस तरह से मुट्ठी कर लिया और ये कर लिया, इसको मुंड मुद्रा कहते हैं। ये मुंड मुद्रा लगाएं, मुंड मुद्रा लगा के इस तरीके से आप करें, 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद यही मुद्रा लगाकर आपको खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है। याद रखें, मैंने कहा थाली में थोड़ा सा तेल डालें, जिसमें समान तरीके से तेल रहे, और पूरा थाली भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तेल डालकर उसको कम से कम आधा इंच तक वो तेल रहे थाली में, बहुत है। और उसके बाद सेम ये मुंड मुद्रा लगाएं, प्राणायाम करने के बाद खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है, ओम शम 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 वोसठ, 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 ओम शम 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 वोसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ। बस ये मुद्रा लगा के आपको 5 मिनट मंत्र का जाप करना है। जब 5 मिनट मंत्र का जाप हो जाता है, उसके बाद फिर से आप अपना चेहरा उस थाली में देखते हुए, जो थाली है उसमें ऐसे करके अपना चेहरा देखते हुए ये मंत्र फिर से 5 मिनट के लिए जपना है।
ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ, यानी इस तरीके से ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ, यानी थाली में देखते हुए थाली में आपका चेहरा दिखेगा, थाली में आपका चेहरा दिखेगा, उस चेहरे को देखते हुए ओम शम 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 वोसठ ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट। फिर से रिपीट करता हूं, आप ये मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें, उसके बाद यही मुद्रा लगाकर ओम शम 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 वोसठ ये मंत्र का जाप 5 मिनट करें। ये हो गया, फिर उस थाली में अपना चेहरा देखें और चेहरा देखते हुए ओम शम 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 वोसठ, ओम शम 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 वोसठ, इस तरीके से आपको 5 मिनट मंत्र का जाप करना है। बहुत सिंपल है, आसान है, आपका चेहरा उस थाली में देखना है, यानी उसमें एक आधा इंच तेल भरा हुआ होगा सरसों के तेल का, और उसको आप अपना अक्ष देखना है, अपना चेहरा देखना है, देखते हुए मंत्र का जाप करना है। बस आप ये प्रयोग शनिवार, वैसे एक ही शनिवार करें तो भी ठीक है, अगर 3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार करें तो शनि से संबंधित जितने भी दोष हैं नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। साढ़े साथी का दोष है, नष्ट होना शुरू हो जाता है, आपकी कुंडली में शनि खराब है, खराब अवस्था में है, तो वो नष्ट हो जाता है। शनि सूर्य के साथ में है, शनि मंगल के साथ में है, तो इसे जो दोष उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। अकस्मात जो दुर्घटनाओं की जो आशंका होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद काम में जो रुकावटें आ रही हैं वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, व्यापार में जो रुकावटें आ रही हैं नष्ट होनी शुरू हो जाती है, आपके रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें आ रही हैं वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे व्यापार बंधा हुआ था वो टूट रहा है, इस तरीके से कुछ स्मूथ हो रहा है, और ये चीजें मन को महसूस होती हैं। कोई भी निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें जब होती हैं आपके चारों तरफ तो इससे आपके मन को प्रभावित करता है ये सब चीजें, और एकदम निगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। इस ये प्रयोग के बाद आपको ऐसा लगेगा अंदर से आपको पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रयोग है और बहुत 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 इफेक्टिव प्रयोग है। ये प्रयोग एक बार करके देखें, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब मेरा आखिरी उपाय यही था, आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक शनिवार ठीक है, आप 3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार ये किया जाता है, 7 शनिवार के बाद जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन एक शनिवार या 3 या 5 या 7 शनिवार आपको सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करना होता है। और बाद में किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें, पैसे दान न करें, ये आपका काम हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई है, कामों में जो अड़चनें आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, ये कम होना शुरू हो गया है। निगेटिव चीजों का जो प्रभाव आपके ऊपर हो रहा था, चाहे बीमारियों के रूप में, कर्ज के रूप में, शत्रु के रूप में, तंत्र बाधा के रूप में, वो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कम होना शुरू हो गया। इस तरीके से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत खास चीज है, ये उपाय करें और इसका लाभ लें। आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद जरूर करें। जी, धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी विवाह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।